हाय फ्रेंड्स, तो कनाडा की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक जो चल रही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नेगोशिएशन हो गया है, फिर भी अभी तक स्ट्राइक चल रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वी हैव पुट अ फेयर कंपेटिटिव वेज ऑफर ऑन द टेबल। We recognize and respect employees' rights to strike, but when a good offer is on the table and there is a genuine commitment to compromise, the focus should be on negotiation. और क्या negotiation में pending है, क्या negotiation में हुआ, और अगर आप Canada आना चाहते हो तो आ सकते हो। File कब तक process होगी, immigrant को कब तक wait करना पड़ेगा, student को कब तक wait करना पड़ेगा, passport submission के लिए कब तक wait करना पड़ेगा, ये सब का आंसर ये वीडियो में मिलेगा, तो बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। तो जब 19 अप्रैल को ये सबसे पहली स्ट्राइक हुई थी, तब हमने पहला वीडियो बना के आप सबको बता दिया था कि स्ट्राइक क्यों हुई है, उसके रीजंस क्या है, एम्प्लॉयज की डिमांड क्या है और गवर्नमेंट कैसे उसको रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन हमको लग रहा था कि ये स्ट्राइक 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 8वां दिन चल रहा है, फिर भी स्ट्राइक कंटिन्यूज है। इसके बहुत से इम्पैक्ट हो रहे हैं फाइल पे और प्रोसेसिंग टाइम पे। सो ये अब का इशू नहीं है, ये इशू चला आ रहा है कोविड के बाद के टाइम से, जो एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसका सीधा इम्पैक्ट, ये स्ट्राइक का सीधा इम्पैक्ट जा रहा है इमिग्रेशन पे, वीजा प्रोसेसिंग फाइल पे, पासपोर्ट ऑफिस पे, टैक्स सर्विस पे। ये प्रोसेस इतनी डिले हो गई है। इट इज अ फेलियर to have 150,000 workers go out on strike and the biggest general strike in 4 decades. But it is an especially incredible achievement of incompetence to do both of those things at the same time. Right. Only the Prime Minister could pull that off. Now, our veterans, our immigrants, our small businesses, our taxpayers will be without services. How will the Prime Minister fix the government he broke? Be right. तो ये स्ट्राइक में एम्प्लॉय ने रखा था अराउंड 570 डिमांड्स, 570, यस, इतनी सारी डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट के सामने, और ऑलमोस्ट हर डिमांड को कंप्लीट किया जा चुका है। सिर्फ 2 डिमांड्स है जो मेजर वन, जो पेंडिंग है, जिसके लिए नेगोशिएशन चालू है। एंड देयर हैज बीन 570 इश्यूज, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, देयर आर मेनी थिंग्स, एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर देयर आर सम लेफ्ट, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बट देयर आर सम लेफ्ट एंड वी नीड टू गेट to a deal on wages and other. तो जो वो 2 चीजों पे बातें अटकी हुई है, उसमें से पहली है वो एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, जो डिमांड गवर्नमेंट अभी तक फुलफिल नहीं कर पाई है, और जो सेकंड डिमांड है, जो मेजर वन है, वो वेजेस के वजह से है। एम्प्लॉय अपना वेजेस 9% हर साल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था हम 3 साल में रैपिडली 3% और 3% लेके 9% बढ़ाएंगे, लेकिन नेगोशिएशन चल रहा है और अभी कुछ 3 साल में 13% के अराउंड गवर्नमेंट एग्री हुई है। लेकिन एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमें पर ईयर 6% और 7% का तो अप्रोक्सीमेट रेज मिलना ही चाहिए। सो इसी बात के नेगोशिएशन को लेकर स्ट्राइक थोड़ी सी लंबी चल रही है और कुछ रिजल्ट आता नहीं दिख रहा है। दिस इज ए कंप्लीट demonstration of the incompetence of this minister in this position to allow these negotiations to drag out this long. और ये स्ट्राइक में जो एम्प्लॉय है और जो यूनियन है, वो चाहते हैं कि पीएम भी इंक्लूड हो। And so what we're calling for now is the prime minister needs to get involved. Where is the prime minister in this? One of the biggest strikes in our country's history, and where is the prime minister? Prime minister should be taking this seriously and personally. These are the workers that work for the Prime Minister. They work for the government. So union और workers चाहते हैं कि PM Justin Trudeau इसमें involve हो और जल्दी से negotiation done हो। लेकिन अभी हम बात करेंगे visa की, application की और passport की। So जिन्होंने visa डाला हुआ है, तो good news is that कि online आप visa apply कर सकते हैं। Visa के लिए कोई भी process रुकी हुई नहीं है। If you are applying for the study permit, work permit और PR, उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज चालू है, यू कैन सबमिट योर फाइल, बट उस फाइल को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिले लगेगा, वी मस्ट से दैट, लेकिन वो टाइम भी आने वाले दिनों में IRCC जल्दी से कवर कर लेगी। तो आप किसी का वेट मत कीजिए, अपनी फाइल अगर पूल में डालने वाले हो तो जल्दी से डाल दीजिए। और सेकंड में बात करूँ टैक्स की, तो टैक्स की आखिरी डेडलाइन है 13 अप्रैल, या 13 अप्रैल इज आखिरी डेडलाइन। किसी की भी टैक्स अभी तक फाइल नहीं हुई हो, जल्दी से टैक्स फाइल कर दे, क्योंकि पता नहीं आगे आने वाले दिनों में वो लोग ये डेट को एक्सटेंड करे या ना करे। अगर भी हम बात करेंगे पासपोर्ट सर्विस की,
तो पासपोर्ट सर्विस के लिए कनाडा में अभी के लिए फिलहाल से सर्विस कनाडा क्लोज है, तो पासपोर्ट सर्विस अभी क्लोज रहेगी, लेकिन जो आउट ऑफ कनाडा है वो सब सर्विसेज चालू है, तो आप अपना जाके पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट का प्रोसेसिंग टाइम अभी भी क्लियर नहीं है, या तो डिले भी हो सकता है या तो ऑन टाइम भी आ सकता है। वी मस्ट से दैट कि ये जो स्ट्राइक है वो अभी जल्दी से खत्म ही होने वाली है, माइट बी नेक्स्ट वीक के फर्स्ट दिन में ही खत्म हो जाएगी। मिस्टर स्पीकर, अनलाइक द मेंबर्स ऑपोजिट इन द कंजर्वेटिव पार्टी, वी डीपली रिस्पेक्ट द वर्क दैट यूनियंस डू अक्रॉस द कंट्री टू स्टैंड अप फॉर गुड मिडिल क्लास जॉब्स। दैट्स व्हाई वी हैव इंश्योर्ड दैट द वर्क इज डन एट द बार्गेनिंग टेबल। वी नो देयर इज प्रोग्रेस बीइंग मेड, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ द बार्गेनिंग टेबल। दैट इज व्हाट वी आर एनकरेजिंग पीपल टू कंटिन्यू टू डू, बिकॉज़ यस, कैनेडियंस डिजर्व देयर सर्विसेज एंड वी नीड टू continue to support the public service that delivers those services to Canadians. क्योंकि अगर ये स्ट्राइक लंबी चलती है तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा, आईआरसीसी और सीआरए का काम जो रुका हुआ है वो भी बढ़ता जाएगा, सो गवर्नमेंट भी चाहती है इसको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। और अगर एक मैं आपको बात बता दूं तो इसमें थोड़ा पॉलिटिकली भी एंगल दिख रहा है, क्योंकि 2025 में नया इलेक्शन आने वाला है, बॉर्डर कनाडा बॉर्डर सर्विस अभी भी ऑन है, तो आप कभी भी कनाडा आ सकते हो, कनाडा से बाहर जा सकते हो, उस सर्विस को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वीजा है और कनाडा भी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, उसके लिए कनाडा बॉर्डर सर्विस चालू है। आप यहाँ पे आके एयरपोर्ट पे अपनी वर्क परमिट या स्टडी परमिट भी ले सकते हो, वो सब सर्विसेज भी चालू है। आई नो इट इज़ अ हार्ड टाइम, लेकिन मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि जैसे ही स्ट्राइक खत्म होगी हमारा सबसे पहले वीडियो आएगा और आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे कि स्ट्राइक में क्या बार्गेनिंग हुआ, कितना इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रोसेसिंग टाइम होने वाला है। और ऐसे यूजफुल वीडियो अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए तो उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन मिले। और तब तक के लिए अगर कोई कनाडा में आना चाहता हो, कनाडा में है या कनाडा के बारे में जानना चाहते हो, तो ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।